है आपकी, वही आईडी में लिख रही थी आपकी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को तो अभी सभी बचा रहे हो और पढ़ा भी रहे हैं, तभी तो आप लोग पढ़ रहे हो। हाँ जी, अब चैट्स का सिलसिला मैम रोका। हाँ बताइए। मैम मैम पूरा पढ़ो बेटी एक बचाओ बार। बेटी पढ़ाओ तो गुड करवा रहे इवनिंग हैं, मैम। पर अब लड़के बचाओ और मैंने कहा लड़के पूरा पढ़ाओ पढ़ो चलाना पड़ेगा। मैम। इसने लिखा बहाड़ में जाओ लड़के। अरे वो बॉयज पेन बता रहा है। क्या क्या बोल रहे हो आप लोग, बाहर में जाओ या पहाड़ पे जाओ? हम पहाड़ में जाओ लिखा है मैंने। नहीं, ऐसे तो गलत है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मैम वो भी लड़के। ऐसा बता रहा है, भी गलत हो रहा है हमारे साथ। देखो आप लोग को तो कोई मार ही नहीं रहा है कि कोई बचा है आपको, है ना? आप लोग तो ऑलरेडी बचे हुए हो, बहुत आराम से हो, और आप लोग को तो वैसे भी पढ़ाया जा रहा है। बेटियों के लिए ही ये स्कीम निकाली गई है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि हमारे हिस्ट्री में भी बेटियों के संग कैसे कैसे जुल्म हुए हैं। लड़कों के संग कहीं जुल्म सुना है आप लोगों ने? मैंने तो सुना, लड़के तो जुल्म करते हैं, मानो या मत मानो, बट लड़कों का नेचर ऐसा होता है, भी होते हैं वो, इसीलिए उनके लिए ज्यादा प्रोग्राम लॉन्च नहीं होते। आजकल लड़कियां हर फील्ड में आ गए हैं, ये तो बात है, जहां देखो वहां लड़कियां ही लड़कियां हैं। लड़के कहाँ है? लड़के हैं, वो है, ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनका भी अपना वजूद है। एंड आपके तरफ से मैं सरकार को रिक्वेस्ट करूंगी कि लड़कों के लिए भी प्रोग्राम्स लाए जाएं, बट लीडरशिप के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, क्योंकि लीडर्स तो लड़कियां ही रहेंगे। ठीक है, गुड लड़कों इवनिंग मैम। के दूसरे प्रोग्राम आएंगे। है ना? मैम लड़कों को अरे बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। भाई, लड़कों के बारे में क्या ही बताऊं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। मेरा भाई है ना, इसलिए मैं जानती हूँ, बस लड़ना आता है लड़कों को, और यस सोचते मैम हैं कि सब में आगे रहें, सिर्फ हम ही लीडर रहें, यस हम कहाँ जाएं, मैम। वो तो होता ही है मैम लड़कों का। हम कहाँ जाएं फिर लड़कियां? ये सौरभ और सक्षम, चलिए बहुत चैटिंग में बात हो गई। आज पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है? भाई पढ़ना तो है, क्या पढ़ना है मगर? एक बात बताइएगा आप लोग, आप लोगों को मॉड्यूलस पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है मैंने? नो मैम नो नो मैम, मैम। ऐसा जुल्म हुआ है, आप लोगों ने मॉड्यूलस नहीं पढ़ा? यस मैम हाँ अंकिता, सौरभ और सक्षम, अभी रुकिए, मैं चैट का वो ऑप्शन ही बंद कर दी। नो मैम। इन्होंने लिखा कि लड़के ड्रग्स और स्मगलिंग में आ गया। चाहे फिर चोरी डकैती और ड्रग स्मगलिंग। अच्छा आपको ड्रग स्मगलिंग का मतलब पता है? हाँ यस मैम। वो नो पता मैम है, नहीं नो मैम। पता लड़कों को होगा बहुत वो ज्यादा किधर पता होता है, तभी तो लिखा। लड़कियों ने कभी की भी नहीं होगी। अभी रुकिए, आपका डिबेट मैं अभी बंद करती हूँ। लड़कियों ने बहुत मेहनत की है, सभी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब करो आप चैट मैसेजेस, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ सबके सब। मेहनत सभी करते हैं, बट स्पेशली हमारे देश में, मानो या नहीं मानो, लड़कियों को थोड़ा सा अंडर प्रेशर रखा जाता है, उस चीज से लड़कियां आगे बढ़े इसलिए हम सपोर्ट करते हैं, और हमारा सपोर्ट सरकार करता है। तो जो सच है वो सबको दिखता है, सच ऐसे ही होता है, और जो झूठ है ना सौरभ, वो सबको दिखता है, वो कुछ ही लोगों को दिखता है। ठीक है, ड्रग स्मगलिंग कहाँ कहाँ दिमाग ले गए, कितना दिमाग चलता मैम है हमारे आपका? सर ने बोला था ऐसा। सर का छोड़ दो, सर ने बोला था तो, ड्रग और स्मगलिंग क्या है ये सब? मैम विचार ही नहीं किया पर सर को चलिए, फंसा रहे हैं। हमारे विचार अच्छा नहीं, सर ने बोला था। कोई बात नहीं, उनकी बात आप छोड़िए। अब मुझे बताइए कि मैं तो मूड में हूं कि आज आपको मैं थोड़ा सा चेंज करूं। पिछली क्लास सर्कल लेके मैंने देख लिया था, ऐसा लगा था कि बच्चे मतलब सजा मिल गई है आपको क्लास अटेंड करने की, ऐसा लग रहा था मुझे कि एकदम सजा मिली हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि मॉड्यूलस आज कंटिन्यू किया जाए, बट मुझे तो ये सुन के शॉक लग रहा है कि मॉड्यूलस आपको पढ़ाया ही नहीं है। तो क्या आज हम लोग मॉड्यूलस का क्लास करें या फिर सर्कल ही कंटिन्यू करें? दोनों ऑप्शन है। मैं मॉड्यूल मैं सर्कल। सर्कल
यहाँ पे भी ना आपसे कुछ बोलना मतलब फंसने के बराबर ही है। ना ही बोलू मैं तो कभी कभी सोचती हूँ। मॉड्यूल मैंने बोल दिया मॉड्यूल की। नहीं, मॉड्यूलस। हाँ अभी रुकिए, वोटिंग करना पड़ेगा मुझे। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए, मॉड्यूलस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 जो होगा आपका वो है यस, एंड जो ऑप्शन 2 होगा वो है नो। तो अब आप जो है यहाँ पे अपना रेस्पॉन्स शुरू कीजिए। जस्ट अ मिनट, मैं भी स्क्रीन को ना 1 मिनट के लिए प्रेजेंट करना बंद करती हूँ, ताकि सारे बच्चे अपना अपना रेस्पॉन्स बताए, उसके अकॉर्डिंग ही क्लास चलेगी आज की। ठीक है, चलिए मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ यहाँ पे। आप लोग वोट करना शुरू कीजिए यस और नो में, जैसे वोटिंग होगी वैसे क्लास चलेगी आज की। कर रहे हो? यस मैम, यस यस मैम, मैम। मैंने मैम कर कमाल दिया। है, बिल्कुल। हाँ, करते रहो करते रहो, जब सबके हो जाएंगे तब जा करके। 27 लोगों ने किया है, फास्ट फास्ट। बबीता मैसेज क्यों कर रही है नो? अच्छा बबीता नो। मेजोरिटी ऑफ द क्लास जो चाहेगी वही होगा, सर्कल तो वैसे भी होगा, वो तो ऐसा है नहीं कि अब पढ़ाया नहीं जाएगा, बट यू नो थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि मैं सुला नहीं सकती आप लोगों को। सर्कल चैप्टर ही ऐसा है कि बच्चे चाहते ही नहीं है पढ़ना, फिर भी जबरदस्ती का पढ़ाना कर रहा है। मैम मेरा नो शो कर रहा है, आप चाहते क्या हो सौरभ? मैम एक्सक्यूज मी, बोलिए, पूछिए। मैम आपसे एक बात पूछनी थी। मैम आपका बर्थडे कब आता है? ये बात पूछ ये बात, रही थी आपको, मेरा 10 जुलाई का है। 10 जुलाई। मैम मुझे भूल गया था। ओके ओके, आज किसी का बर्थडे है क्या? आज है किसी का बर्थडे? नो मैम, दो बैग। चलिए मैं एंड कर रही हूँ पोल को, सबने वोट कर दिया, सो मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे वांट कि आप मॉड्यूलस पढ़ाओ, तो हम मॉड्यूलस पढ़ाएंगे आज। मॉड्यूलस पढ़ते हैं एंड बहुत मजा आने वाला है आपको उसमें। आपको मैंने वेवी कर्व पढ़ाया है क्या बच्चों? तब क्या लगता आपको नहीं पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तभी बोल रहे हो क्या? बात ओके okay. यूनियन। कोई नहीं, चल हम लोग कभी गेम नहीं खेलते ना, हम लोग कभी भी गेम नहीं खेलते, क्योंकि मैथ्स में क्या ही गेम खेलोगे। बट आज का जो क्लास होगा आपका वो एक्चुअली एक गेम कम स्टडी क्लास होगा। ओके सो लेट मी सी। चलिए अभी स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके सी, सो आपका चैप्टर क्या है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कभी सुना भी नहीं है आप लोगों ने? नो नो मैम, नो मैम। कोई मैम, बात, यस मॉड्यूलस से तो बच गए आपके, नहीं सुना है अब नहीं बचोगे। लॉगरिदम सुना मैम, यस है? मैम, यस मैम। यस
एक्सपोनेंशियल यस सुना मैम, है? यस मैम, हाँ तो बस ये सुना है ना, तो मॉड्यूल नहीं भी सुना तो चल जाएगा, मैं बता दूंगी। आज का डेट है हमारा 25 अक्टूबर, लेक्चर 2020 नंबर है पता नहीं कितना, 1 ही लिख देते हैं, मॉड्यूलस का तो 1 हाँ ही। चलिए सो शुरुआत करते हैं। मॉड्यूलस होता क्या है सबसे पहले तो आप ये जानिए। आपको आगे जाके फाउंडेशन में मॉड्यूलस बहुत हेल्प करने वाला, 11th और 12th तो सब में हेल्प करेगा वो। सो क्यों ना आप 10th से ही इसका बेस थोड़ा मजबूत बनाओ, कुछ नया जानो। मॉड्यूलस क्या होता है बच्चों? टू, मैंने दो डंडे के अंदर लिखा, ठीक है, ये जो दो डंडा है ना आपका, इसको आप क्या बोलोगे? मॉड बोलोगे। क्या बोलोगे? मॉड। मॉड, और मॉड ऑफ यस 2, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर 2 लिख दिया, इसीलिए मॉड ऑफ 2 बोलोगे आप, मॉड्यूलस। ओके, इतना समझ में आया? क्या समझ में आया? कि मॉड इस डंडे को बोला जाता है, उस दो डंडे के अंदर पैरेलल लाइंस बोल लो, डंडा बोल लो, जो भी आपको समझ में आया, बट है तो वो मॉड, मॉड ऑफ 2। उस दो डंडे के अंदर जो भी नंबर आप लिखोगे तो आप उसको एग्जैक्टली प्रोनाउंस करोगे क्या? मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 10, मॉड ऑफ 100, ऐसे। ओके, अगर मैं इसका डेफिनेशन आपको दूं, सो द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ अ नंबर मे बी थॉट ऑफ एज इट्स डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या है? दूरी। एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0। अब देखो, क्योंकि बहुत ही नया सा टर्म है आपके लिए, तो मैं आपको ऐसा नहीं समझाऊंगी कि जो आप समझ ही ना पाओ, जो आपने बचपन से समझा है उसी पे चलते हैं। नंबर लाइन सबको पता है, सब लोग अच्छे से वाकिफ है नंबर लाइन से। नंबर लाइन पे 0 होता है, एंड 0 के लेफ्ट तरफ में क्या होता है? नेगेटिव। और पॉजिटिव कहाँ होता है? इस तरफ में, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे सारे आपके माइनस वाले आ जाएंगे, -2, -3 एंड -4। ओके, सो अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से -2 का डिस्टेंस कितना है, -2 की दूरी कितनी है, तो आप मुझे क्या बताओगे? मैं पूछूंगी जस्ट सिंपली, अंकिता 0 से -2 की दूरी कितनी है, तो आप क्या बताओगे मुझे? मैम 2 यूनिट्स, ओके, 2 यूनिट्स, बट मुझे -2 को मॉड में लिखना है। मैंने -2 को मॉड में लिखा, अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या मिला? पॉजिटिव मिला। लाइकवाइज मैं पूछूंगी 0 से 2 की दूरी कितनी है, तो क्या बोलोगे? 0 से 2 की दूरी कितनी है, तो क्या बोलोगे? कितने कदम पे है 2? मैम 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, अगेन टू यूनिट्स, यूनिट मतलब नेगेटिव लिख रहे हो तब भी 2 यूनिट, पॉजिटिव लिख रहे हो तब भी 2 यूनिट। मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में हो सकता है? बोलोगे क्या वो -2 की दूरी पे है? ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो आप एक कंक्लूजन दे सकते हो कि हाँ, दिस इज पॉजिटिव। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मॉड्यूलस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मॉड, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ओके, बट अगर नेगेटिव में है तो मैं उसको बाहर लाऊंगी तो अचानक से कैसे पॉजिटिव हो गया? ये तो कोई जादू तो है नहीं। होता क्या है, जब आप -2 को बाहर लेकर आते हो तो ये -2 ही रहता है, बट उसके सामने एक और माइनस रहता है, तो -(-) मिलके प्लस बन जाते हैं और ये 2 बन जाता है। डन? यस मैम।
ठीक है, अब मुझे लग रहा है मैंने मॉड्यूलस तो आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना आज मतलब एक गेम वाले जोन में थी। मतलब मैं सोच रही थी आज का क्लास बहुत ही सीरियस ना हो के थोड़ा गेम्स टाइप का हो, बट समझ नहीं आ रहा था कि क्लास ही इतने कम होते हैं कि इसमें क्या ही गेम खिलाऊं मैं आपको। एक्सक्यूज मी मैम बोलिए भाई, एक्सक्यूज मी। मैम, अगर मॉड में 2+ में होगा तो वो बाहर जाएगा, तो फिर उसके सामने माइनस होगा तो फिर वो माइनस में नहीं आ जाएगा। नहीं, प्लस वाले के लिए तो कोई माइनस नहीं है ना, ये तो माइनस वाले के लिए है, ये तो ऑलरेडी प्लस में है तो वो प्लस ही में रहेगा, उसको माइनस की क्या जरूरत है। ठीक है, जो यस प्लस में है उसके लिए कोई इशू नहीं, जो माइनस में है उसके लिए मैं कह रही थी, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस उसका वेट कर रहा है, तो माइनस इंटू माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके ठीक है, यस चलो। मैम तो अब हाँ आगे चलिए, मैं आपको कुछ और बताती हूँ इंटरेस्टिंग सी चीज है। ये तो आपको एक नई चीज पता चली, तो आपको ये सारी चीजें क्या है, काम ही आने वाली है। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। एक्स कब होता है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स कब होता है, इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ओके, हमें ये भी पता है नंबर लाइन के थ्रू कि जीरो से नेगेटिव वाले रीजन में माइनस फॉल करता है, पॉजिटिव वाले में दैट इज ग्रेटर देन जीरो में एक्स होता है। वही चीजें इसे ने यहाँ पे लिमिटेशन बना करके बता। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जरा। मैं अगर नंबर लाइन पे भी इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो ये जीरो हो गया मेरा, सो जीरो हियर लेस देन माइनस एक्स एंड दिस इज लेस देन एक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई क्लास में एंट्री चाह रहा है? नहीं। चलिए, मैंने लिखा एक्स प्लस सेवन इक्वल टू थ्री। ओके, और मैंने आपको बोला कि सॉल्व फॉर एक्स, कैसे सॉल्व करोगे। एक्स प्लस सेवन है इक्वल टू थ्री है, अब भाई यहाँ पे किसको माइनस लोगे किसको प्लस लोगे फिर भी समझ ना आ रहा। तो आप क्या करो, मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ। नंबर वन में आपको मान लेना है कि क्या मान लेना है, एक्स आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी एग्जाम्पल देखा कि जब हम -2 ले रहे थे तब भी हमारा 2 आ रहा था आंसर, +2 ले रहे थे तब भी 2 आ रहा था, मगर ले तो रहे थे ना, माइनस वाले को इग्नोर नहीं कर रहे थे। तो इसका यही मतलब होता है कि मॉड का आपको नेगेटिव भी लेना है पॉजिटिव भी लेना है, दोनों लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज में आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, सो दो केस बनाओ, केस वन एंड यहाँ पे बनाओ आप केस टू। केस वन में बनाओ एक्स प्लस सेवन इक्वल टू थ्री, केस टू में आप बनाओ एक्स प्लस सेवन इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस सेवन, सो एक्स इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये तो सिंप्लीफिकेशन आप लोग करते आए हो, एक्स इज इक्वल टू -3 -7, सो एक्स इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, -10। अब आप ही देखो, एक मॉड के क्वेश्चन से मुझे दो अलग अलग आंसर्स मिल गए, मैंने दो केस बनाए। मतलब कि जो मेरा 3 था उसको मैंने पहले पॉजिटिव में लिया, बाद में उसको मैंने क्या लिया, नेगेटिव में भी लिया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में मैंने उसको लिया। ओके डन, कुछ समझे या कुछ नहीं समझे, जो नहीं समझे वो बता सकते हैं। सब लोग समझ ही लगा इसलिए चुप है, तो आगे बढ़ते हैं। यस मैम ओके चलिए, एक एग्जांपल से तो मुझे लगता नहीं कि कुछ होने वाला है, तो दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स प्लस वन -4 इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए
डबल डबल मॉड आ गया, कुछ दिख रहा है? अभी तो एक एक मॉड, एक ही मॉड को लेके हम लोग चल रहे थे, अब डबल मॉड आ गया, मतलब पहला मॉड भी बाहर जाएगा, वो भी माइनस प्लस कुछ होगा, दूसरा मॉड भी बाहर जाएगा, वो भी माइनस प्लस होगा। तो टोटल आप यहाँ पे दो केस बनेंगे हमारे, उस दो केस में भी एक केस से अलग केसेस बनेंगे, एक केस से अलग केसेस बनेंगे, ठीक है? सो केस वन पहले बनाते हैं हम लोग। केस वन आपका बनाओ, आप क्या बनाओगे बच्चों, एनी आइडिया? पहले तो पूरा क्वेश्चन लिखो। -4 = 5, अब क्या करूं मैं? कुछ आइडिया दो आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स लाइक अ गेम ओनली। ये गेम हम लोग पढ़ भी रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, 2 in 1। मुझे ये इकलौता ऐसा चैप्टर मिला कि आप मन भी हुआ बच्चों के संग खेलने का, तो क्या खेलूं मैं, इसी को लेके खेलना पड़ेगा। अब सर्कल के टाइम पे तो सीरियस थे, अब यहाँ पे तो सीरियस मत रहो, कुछ भी बोलो, कुछ तो बोलो, क्या किया जाए, कैसे केस बनाया? मैम जो अंदर वाला मॉड है x+1, मैम पहले उसको सॉल्व करेंगे। पहले उसी पे धावा बोल देंगे ना, बाहर वाले को कुछ नहीं करना है। अरे बाहर का गेट खोलोगे तब तो घर के अंदर जाओगे, आप पहले ही अंदर कूद के जाओगे क्या ऊपर से दीवार से? हाँ गेट ही नहीं बोला है तो नहीं, देखो आपने बोला ये मुझे अच्छा लगा, बट देखो अंदर वाले को तो ऐसे ही रखो, अभी बाहर का मोड हटाया है आपने। -4 = 5, x+1 = कितना होगा, 5 - 4, माइनस नहीं, 5 + 4, 5 + 4 = 9 हो जाएगा। ओके अभी भी x+1 मॉड में है, बड़े वाले मॉड को हटाया तो 9 मिला। केस 2 भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। केस 2 में भी अगेन एक बड़ा मॉड रखो, x+1 - 4 = 5, बट क्या यहाँ पे सिर्फ 5 होगा या -5 होगा बच्चों? मैम -5 हाँ, क्योंकि +5 तो हम ले चुके हैं ना, तो अब मेरे पास क्या बचा, -5, ठीक है? तो -5 अगर बचा तो अगेन अंदर वाले मॉड को आप क्या करोगे, ऐसे ही रखोगे, यानी कि x+1 = -5 और +4, x+1 = -1 हमें मिल गया। इसको आप फिलहाल ऐसे ही रखो और इस पे आओ अभी। तो ये 9 आपका क्या है, पॉजिटिव में है, राइट? और नेगेटिव में भी है, क्योंकि हम लोग मॉड के संग दो केस सपोज करते हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। अगेन यहाँ से आपके दो केसेस निकलेंगे। सो एक केस क्या निकलेगा, केस 1, और एक केस क्या निकलेगा, केस 2। केस वन में आप क्या करोगे, x+1 = 9, x = 8, ठीक है? केस 2 में क्या करोगे, x+1 = -9, x = -10। ठीक, ये दो केस हमारे बने यहाँ पे, बट यहाँ पे बच्चों केस नहीं बनेगा, यहाँ पे नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, उसका भी एक रीजन है क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है ना बच्चों? यस हाँ, मैम यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, देखो यहाँ पे सपोज √(25) है, ठीक है? हाँ मेरा गला ही साथ नहीं दे रहा है। 25 को मैं क्या लिखती थी, 5, बट मैं प्लस माइनस लिखती थी। आप लोग भी लिखते थे ऐसे, अगर मैंने पढ़ाया है तो शायद ऐसे ही पढ़ाया होगा, +-5, ठीक है? यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करते हैं, एक तरह से प्लस माइनस लिखते हैं मॉड में। यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी मॉड ने माइनस साइन ले रखा है, ऑलरेडी है उसके पास, तो जो माइनस है ना, मॉड कभी भी माइनस को अलाउ नहीं करता। सो एनीवेज ये पहले बात तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज क्या है कि आप x+1, मतलब आप इसको ना माइनस में ले सकते हो ना प्लस में ले सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस तो समझ में आता है, बट
बट प्लस माइनस और माइनस ये तो आपने कहीं भी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है ना? तो नो मैम, नो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, मैम, दिस इज नॉट पॉसिबल, आपका कोई केस नहीं बनेगा, यही रीजन है इसके पॉसिबल नहीं होने का। ठीक यस मैम, है, यस मैम। अब एक बात बताओ जरा बच्चों, मजा आ रहा है क्लास में? मतलब कुछ अच्छा लग रहा है पढ़ने में अलग सा? ओके, सो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सर्कल पढ़ना चाहते थे, जो वो भी ऐसा ना सोचे कि अरे मैम ने तो पूरा क्लास ही बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस जरूरी है जिंदगी में। सर्कल पढ़ते रहना, गोल गोल घूम के दुनिया में वो नहीं आना, तो फिर से गोल घूम के इसी क्लास में आना है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ और देखते हैं, कुछ और मजेदार, लेकिन ये थोड़ा सा कम मजेदार होगा क्योंकि अब क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड ऑफ एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे भी आपको बोलेगा सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स तो करना ही है आपको हर जगह पर। अब कैसे सॉल्व करोगे? हमारा जैसे जैसे मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हो, पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं थे, क्वाड्रेटिक का जस्ट एक फॉर्मूला आ गया था या फिर आपने एक वहां का मेथड अप्लाई किया था, अब तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक ही घुस रहा है इसमें, तो क्या करोगे? मॉड्यूलस भले ना पढ़ा हो आपने, बट जो पढ़ा हो वो सारे कंसेप्ट लग रहे हैं। मैंने नंबर लाइन बना दिया, थोड़ा इजी पड़ेगा हमारे लिए। नंबर लाइन से अगर हम समझेंगे तो बीच में होता है जीरो, इस तरफ क्या होता है नेगेटिव, इस तरफ होता है पॉजिटिव, इसके इक्वल्स टू जीरो है ना, तो जीरो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेकर के चलना है। अब एक चीज और ध्यान में देने वाली है कि जो मॉड है आपका वो सिर्फ 7 के साथ है, ये सब तो मॉड से आजाद है, सिर्फ 7 के साथ है मॉड, सो जो भी साइन में फेरबदल होगा वो सिर्फ 7 के साथ होगा, प्लस होगा तो भी वो 7 के साथ होगा, माइनस होगा तो भी 7 के साथ होगा। तो जो दो केस बनेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस वाला तो आपका नंबर लाइन के लेफ्ट की तरफ आता है तो मैं उसको लेफ्ट की तरफ में ही लिखूंगी। अब पॉजिटिव वाला नंबर लाइन के राइट के तरफ में आता है तो मैं इसको राइट के तरफ में ही लिखूंगी। ठीक, हो गया काम खत्म? अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, कौन करेगा? जैसे घर के काम खत्म नहीं होते वैसे मैथ्स के काम भी खत्म ही नहीं होते। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, बोलो, ये एक क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं भी है तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस मैम, यस फैक्टराइज मैम, आता यस मैम, है एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस 5। ओके, यही आप कर सकते हो यहाँ पे। सो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स मेरा यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस 2 निकलेगा, 0 के उधर जाएगा, तो यहां से जब मैं एक्स को निकालूंगी, अरे अरे यहां से जब मैं एक्स को निकालूंगी तो ये क्या निकलेगा, माइनस 5 निकलेगा। अभी इस वैल्यूज को ऐसे ही रहने दो, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ ही साथ। तो ये कितना होगा, एक्स माइनस 2 होगा एक्स माइनस 5, बस साइन चेंज होगा ना, फैक्टराइजेशन तो वही है। एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा भाई, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, सो देन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, मुझे चार वैल्यूज मिल गए हैं। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा वैल्यू आप रखोगे कौन सा नहीं रखोगे। कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, सारे वैल्यूज को तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने नंबर लाइन बनाया, इसके अकॉर्डिंग ये तो ऑलरेडी नंबर लाइन के नेगेटिव रीजन पे है, बट इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर क्या मिला है, 2 मिला है, 5 मिला है।
इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या मिला है? पॉजिटिव रीजन में है ये ऑलरेडी, बट आंसर क्या दे रहा है? -2 दे रहा है, -5 दे रहा है। कुछ खटक रहा है आपको, कुछ गड़बड़ लग रहा है? मुझे तो लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए। नंबर लाइन को देख के ऑब्जर्व कीजिए, कुछ तो अनकॉमन सा, अनयूजुअल सा, जो नहीं लगना चाहिए। मैं नेगेटिव वाले पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाले नेगेटिव में, योर नेगेटिव पॉजिटिव में। हाँ बट ये तो हमने नहीं किया ना, ये तो हमें आंसर दिया किसने, क्वेश्चन ने दिया। तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर दिया है तो ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगे रिजेक्ट, एंड अगेन ये दोनों वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? कुछ नहीं, जीरो बट्टा सन्नाटा, जीरो भी नहीं बचे, जीरो भी हीरो है भाई, यहाँ पे पूरा काम जीरो का ही तो है। जीरो है तो पता चलेगा कि पिक्चर का क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, नेगेटिव में जाएगा कि पॉजिटिव में जाएगा, पिक्चर हिट होगा या फ्लॉप होगा, है ना। मूवीज तो देखते होंगे आप लोग, लास्ट कौन सी मूवी देखी है बच्चों? मैम केजीएफ। केजीएफ ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हो क्या? मैम मूवी का नाम है केजीएफ। हाँ मैम को नहीं पता, सच में नहीं पता, मैं मूवी के मामले में बहुत बुद्धू हूँ तो मेरे को कैसे पता चलेगा। ठीक है चलो, हमने यहाँ पे एक मूवी देखी जिसमें जीरो है, हीरो, और ये वैसे ये तो फ्लॉप हो गई ना, नेगेटिव, ये नेगेटिव में पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव में नेगेटिव आ रहा है। मैम फिर एक्स की वैल्यू से आई, कुछ नहीं आएगी यहाँ पे, एक्स की वैल्यू होती ही नहीं है। आपको क्या बोला है? सॉल्व फॉर एक्स। आपको ये तो नहीं बोला ना राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व फॉर एक्स मतलब एक्स के लिए सॉल्व करो, जो आएगा वो लिखो, पॉसिबल है तो सेलेक्ट करो, नहीं पॉसिबल है तो रिजेक्ट कर दो, बस अपनी मर्जी है, है ना। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, अगेन सॉल्व फॉर एक्स, एक और करते हैं। चलो सो क्वेश्चन है आपका, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स के संग कुछ नहीं है तो वन है, -6 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मॉड में है, पूरा का पूरा मॉड में है, और उसके बाद क्या है, एक्स प्लस टू है। कैसे सॉल्व होगा ये? नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। चलो फिर से नंबर लाइन बनाते हैं, बट इस बार नंबर लाइन थोड़ा डिफरेंट होगा हमारे लिए, दो पार्टीशंस करने पड़ेंगे हमें। x प्लस टू इक्वल टू जीरो अगर मैं करती हूँ तो x मेरा कितना आता है, -1 आता है, सॉरी -2 आता है। आप अगर इसको फैक्टराइज करोगे बच्चों तो आपको कोई दो वैल्यू मिलेंगी, क्या वैल्यू मिलेंगी? -2.3 मिलेंगी। ठीक है मिलेंगी ना, तो जो नेगेटिव वाला है उसको मैंने इधर डाल दिया, जो पॉजिटिव वाला है उसको मैंने इधर डाल दिया। नंबर लाइन तो नहीं बना बट दो केसेस मैंने बना दिए यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके, मॉड के अंदर वाले को। अब फैक्टराइज करने के बाद अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये तो मेरा क्या है, पॉजिटिव रीजन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव रीजन है तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेगेटिव वाले को लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, बट यहाँ पे नेगेटिव वाला था, अगेन मैंने पॉजिटिव वाले को ही लिया। ठीक है उसका रीजन बाद में देखेंगे। अब बीच में क्या लोगे, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो बीच में तो नेगेटिव ही लोगे ना, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है कि नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है. सारे केसेस को आप सॉल्व करते हैं. चलो अगेन वही चीजें करनी है आपको. एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स को इधर लेकर आओगे एंड टू को भी इधर लेकर आओगे तो माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट हो जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स माइनस फोर हो जाएगा ये, एंड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा इक्वल टू जीरो. एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो. एक्स इज इक्वल टू फोर, ये हो गया आपका. एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हो गया. देखेंगे कि हम लोग को किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है. इसको भी सॉल्व कर लो. इसको जब सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे आप, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू. ये एक्स और ये एक्स कैंसल हो जाएंगे क्योंकि आप जब इक्वल टू के इधर लेकर आओगे तो माइनस में हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू, सो एक्स की एक वैल्यू आपको मिलेगी क्या, टू, और एक वैल्यू एक्स की क्या मिलेगी, माइनस टू. अब इसको सॉल्व करते तो सेम ही मिलेगा ना हमें, इधर जो हमें मिला था एक्स इज इक्वल टू फोर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, सेम मिलेगा. अब आप लोग मुझसे बोलोगे, बहुत सारे सवाल आएंगे आपके मन में, पहले आप सवाल पूछ लो अगर कोई है तो, फिर मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ. क्या क्या डाउट से पूछो एक एक करके. पूछो जल्दी, हमने तो एक्स के लिए सॉल्व कर दिया ना. आप कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी रिजेक्ट करेंगे, ये देखेंगे. इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको. आपको यहाँ पे क्या डाउट्स आए हैं मुझे जानना है कि आपका दिमाग कैसे चल रहा है. पूछिए मुझसे, डाउट तो आए होंगे. ये सारी चीजें आपको फास्ट करेंगी. हे भगवान, कोई डाउट नहीं है, मुझे तो बहुत डाउट आए. मेरे ही डाउट क्लियर कर दो जब नहीं है डाउट तो. पूछू मैं डाउट, कोई क्लियर करने को तैयार है? ना अपने ही कर रहे हो, ना मेरे ही कर रहे हो, ना करने दे रहे हो. भाई सब है कि चले गए हो सब यहाँ पे क्लास में? यस मैम. फिर बोर हो गए? नहीं पढ़ना मॉड्यूलस. हैंड रेज मत करो, हैंड रेज करने का समय गया. बोलो बोलो, अनम्यूट हो करके बोलो. कोई डाउट है या डाउट है ही नहीं? सब समझ गए आप लोग? देखो हम नंबर लाइन तो बनाते थे तो उसमें पार्टीशन करते थे तो नेगेटिव पॉजिटिव आता था. यहाँ पे नंबर लाइन नहीं बना है आपको, यहाँ पे दो वैल्यूज दी है उससे पार्टीशन हुआ है आपका, उसके पार्ट्स हुए हैं. तो जब पॉजिटिव नेगेटिव आ ही गया तो एक और जो नेगेटिव है वहां पे क्या डालोगे? कुछ नहीं डाल सकते, आपको पॉजिटिव ही डालना पड़ेगा. ठीक है, पहली चीज इसलिए हमने इसको पॉजिटिव रखा. दूसरी चीज यहाँ पे देखो क्या हो, ये वाला जो रीजन है ये नेगेटिव से शुरू होके पॉजिटिव तक जा रहा है, इसलिए हमने केस भी वैसे ही बनाया. नेगेटिव से शुरू करके पॉजिटिव तक हम गए. ये ओनली पॉजिटिव ले रहा था, ये ओनली नेगेटिव ले रहा था. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ये मॉड में. आप जब इसको मॉड से बाहर निकालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा ही ना. नेगेटिव कॉमा नेगेटिव पॉजिटिव होता है मॉड से बाहर निकालोगे तो. मॉड से बाहर, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही. अब देखो आप पॉजिटिव में आपको जो पॉजिटिव आया है उसको आप करोगे एक्सेप्ट, जो नेगेटिव आया है उसको करोगे रिजेक्ट. क्योंकि अगेन आप नंबर लाइन आप देख चुके हो, हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना लाइन में
जीरो के बाद आपने वन लिखा, फिर माइनस टू लिखा, फिर फाइव लिखा, फिर माइनस सेवन लिखा. कैन यू राइट इट लाइक दिस? हाँ, हैव यू एवर सीन अ नंबर लाइन रिटन लाइक दिस? नो, कभी नहीं देखा हमने. मैंने भी नहीं देखा बचपन में. आपने देखा है क्या, कोई कारनामा ऐसा किया है, ऐसा नंबर लाइन बनाया है? नहीं ना, तो पॉसिबल नहीं है. बट ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है. क्यों बोले तो, क्योंकि आपने जो केस लिया है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी वेलकम, पॉजिटिव वैल्यू भी वेलकम. ये एक ऐसा स्पेशल रीजन है जहां पे नेगेटिव भी एक्सेप्टेड है, पॉजिटिव भी एक्सेप्टेड. नाउ हियर, यहाँ पे क्या करोगे, ये नेगेटिव रीजन है तो किसको एक्सेप्ट करोगे? नेगेटिव को एक्सेप्ट करोगे, पॉजिटिव को हटा दोगे. अब बच्चे आप लोग समझे या नहीं समझे ये बताइए. ये तो पार्ट ऑफ गेम है. पता है ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके माइंड को ना बहुत शार्प काम करना सिखाते हैं. इसीलिए हम लोग फाउंडेशन में ऐसे टॉपिक्स चूज करते हैं जो कि गेम भी लगे और क्लास भी लगे, दोनों लगे. कभी अगर मूड खराब हो या थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो ऐसे टॉपिक्स पढ़े जाएंगे. बट मैंने तो सोचा हम लोग इंजॉय करके पढ़ेंगे, बट आप लोग तो टाइम टाइम फिक्स हो गए, ना रेस्पॉन्स ही मिल रहा है ना कुछ. सारे लोग भाग गए क्लास छोड़ करके. आप 44 बच्चे हैं, तो 44 बच्चे जो है कम से कम वो तो कुछ बोले. समझ ही नहीं आया? यस मैम. चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. ठीक है चलो. इफ मॉड ऑफ 4 माइनस 3 एक्स इज less than equal to 1 upon 2, then x belongs to. अब देखो ये mod में भी है, less than equal to 1 upon 2 है, और fraction भी है, सब कुछ है एक सम. कैसे करोगे इसको? mod को लेते हैं 4 minus 3 x less than equal to 1 upon 2. अगेन इसके कितने केस बनेंगे? केस 1, केस टू. ठीक है, दो केस इसके आप बनाओगे. केस वन में आप क्या करोगे, एक बार नेगेटिव में लोगे, एक बार पॉजिटिव में लोगे. और जब भी आप इनइक्वालिटी का साइन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी. मतलब वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है. ठीक है, असामान्य चिन्ह, असामान्य चिन्ह. तो जब माइनस लेते हो ना, जब भी, तो माइनस में ये क्या होता है, साइन बदल जाता है. इसीलिए मैं लिखूंगी 4 माइनस 3 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. ओके, क्योंकि मैंने माइनस में लिया तो साइन बदल गया. 4 प्लस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x. ठीक. अब इसका आप एलसीएम लेकर अगर लिखते हो तो आपको कितना मिलेगा? 9 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x. 3 इज अ 9. ओके, नाउ x इज लेस देन इक्वल टू कितना? 3 अपॉन 2. x हमारा क्या है? 3 अपॉन 2 से छोटा है. ये भी तो छोटा ही है ना x. मैंने बस साइन यहाँ पे चेंज नहीं किया साइन को, बस x को पहले लिख दिया और साइन के बाद नंबर लिख दिया. ओके. अब केस टू देखते हैं क्या होगा. 4 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2. ठीक है, 4 माइनस 1 अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x. 7 अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 6. ये वैल्यू क्या है? छोटी है. और ये वैल्यू क्या है? बड़ी है. बच्चों आप लोग इसको समझ रहे हो, ये वाले स्टेप्स को, या नहीं समझे? समझ रहे हैं। हाँ, बस हो गई कहानी खत्म. ये मॉड्यूलस का सबसे आसान क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. ओके चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं, शायद वो भी आपको अच्छा लगेगा.
ठीक है, मॉड ऑफ 2x-1 अपॉन x-1 ग्रेटर देन 2, ठीक है। अगेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, और क्या है आपके पास, मॉड ऊपर नीचे फ्रैक्शन में है, कैसे सॉल्व करोगे? केस वन लेती हूं मैं, केस वन में आपका आता है 2x-1 अपॉन x-1 इज ग्रेटर देन 2, ओके 2x-1 - 2x+2 अपॉन x-1 इज ग्रेटर देन कितना 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 जीरो। टू तो इधर आ गया ना, इस तरफ आ गया माइनस में, हम लोग एलसीएम ही तो ले रहे हैं, तो 2x 2x कैंसल हो जाएगा, 1 upon x-1 ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 1, ओके ठीक है। नाउ केस टू, अब केस टू क्या बनेगा बच्चों हमारा, 2x-1 upon x-1 इज लेस देन -2, ठीक है। 2x-1 upon x-1 + 2 इज लेस देन 0, ऐसे मैं लिख सकती हूँ, 2 को मैं इधर ले आई, सो 2x-1 - 2x नहीं +2x, क्योंकि प्लस हो, -2 अपॉन में x-1 इज लेस देन 0, सो यहाँ पे आपको मिलेगा 4x-3 upon x-1 इज लेस देन 0, सो x इज ग्रेटर देन 3/4, ओके x किसके ग्रेटर है, 3/4 के, तो आपको दो वैल्यूज मिली, हालांकि इन दो वैल्यूज को लेके आपको कुछ करना नहीं है, तो क्या ये दो वैल्यूज प्रूव होते हैं कि 2 से ग्रेटर है? नहीं है ना भाई, 1 2 से ग्रेटर है ही नहीं, 3/4 2 से ग्रेटर है ही नहीं, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस x के लिए सॉल्व करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तो अब आप कर लोगे ना बच्चों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस है ना आप में? यस सर, यस मैम। तो अपार्ट फ्रॉम सर्कल, मतलब गोल गोल घूमने से ज्यादा, आज हमने कुछ अलग सा किया, और इससे हमें क्या पता चला, जो आज हमने क्लास किया उससे क्या पता चला? यस अवनीत बताइए, आप काफी टाइम से हाथ उठा रही हैं, बताइए। मैम गलती से हो गया अभी, गलती से मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के क्लास से हमें क्या पता चला बच्चों? कुछ नहीं पता चला, बस मैम आज का क्लास कर लिया, कुछ तो हो रहा था बस, कुछ इंटरेस्टिंग सा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये 11th क्लास के टॉपिक थी, जो मैंने आपको खेल खेल में 10th क्लास में पढ़ा दिया, ये टॉपिक 11th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया है, 12th क्लास में भी है ये, सोचो 10th में होकर आपने पढ़ लिया और आपको समझ भी आ गया, इजी भी लग रहा है। ऐसे तो मैं आपको सारा 11th 12th का पढ़ा दूं ना सिलेबस, जब भी हमारा पढ़ने का मूड ना हो, खेलने का मूड हो, हम लोग क्या करेंगे, 11th 12th का टॉपिक उठाएंगे और उसको खेल खेल में पढ़ डालेंगे, ना मजा आएगा ना? यस मैम। फिर आप 10th क्लास डायरेक्टली 11th में बैठना, बोलना मेरे को सब आ रहा है बस, अब मैं 11th में बैठ, ठीक है। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, अच्छी बात है, वैसे हंसने वाली बात नहीं है, आप लोग सच में बहुत स्मार्ट हो, मुझे तो लगा बच्चे डाउट पूछेंगे, डाउट ही ना आए, या तो मेरे को ही डाउट आ गया कि आपको डाउट क्यों नहीं आ रहा, मतलब आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। बस बच्चों आपकी स्मार्टनेस के आगे मैं फेल हो गई हूँ, अब मैं आपको और नहीं खिला सकती, क्योंकि जो भी खिला रहे हो वो पूरा सीरियस होके पढ़ ले रहे हो, सारा का सारा कितना पढ़ाओ, अब 11th 12th का नहीं पढ़ा सकती हम, अब 10th का ही पढ़ोगे आप लोग, अगले क्लास से सर्कल ही करोगे। थैंक्स मैम। सक्षम किस बात के लिए थैंक्स? अरे थोड़ा अनम्यूट भी हो जाओ, थोड़ा बातें भी कर लो, खाली लिखना पसंद।
कोई फायदा नहीं। अंकिता तुम ही बोलो कुछ, क्या बोल रही थी? मैं पहले तो वेलकम बोला। वेलकम बोल, ठीक है, वेलकम सक्षम हमें इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। मैं पढ़ाई कहा रही थी, मैं तो खिला रही थी आपको, आप लोगों ने मुझे पढ़ा दिया पूरा। पर हम पढ़ रहे थे। हाँ पढ़ रहे, अच्छी बात है। आप तो फेवरेट हो। हाँ आज मेरा आप लोगों के संग खेलने का मूड था, सच बता रही हूँ। सिलेबस पीछे नहीं हो रहा है, सिलेबस सही चल रहा है। मैंने बोला क्या करूंगी आज, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अच्छा आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करना है तो आप जेई के एग्जाम में भी बैठ जाना, वो भी एग्जाम छोड़ देना। बच्चों को बोलूंगी देखो जेई में एक नया कैंडिडेट आ गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हालत खराब हो, जैसे खेल नहीं सकते उसमें, खिला जाएंगे अच्छे से हम लोग, झेलना पड़ेगा उसको। खेल नहीं है वो, झेल है, झेल छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। अगले क्लास में नहीं, खेल कूद कुछ नहीं होगा, चुपचाप से बैठ के सर्कल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब भले ही आप लोग सो जाना बट करेंगे तो जरूर। ये तो मैंने गूगल किया था, हार्डेस्ट चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ाया है, पर पता नहीं उनका जिन्होंने उसमें नहीं मैम आज तक आपने। अरे सक्षम आप तो लगता है बहुत सारे मैसेजेस टाइप करते हो, मुंह से नहीं बोल सकते क्या? पैसे लेती हूँ क्या मैं बोलने के? मैं सोचती हूँ बात करूं तो यहाँ कोई बात ही ना कर रहा है। मुंह की एक्सरसाइज होती है बात करने। बोलो बोलो। ठीक है अच्छी बात है। अगर आप हाँ क्या बोलूं, बस हो गया खत्म। लड़कों का यही है, इसीलिए बोलती हूँ ना जीएलपी प्रोग्राम इज गुड। सुन लीजिए आप मैम। यस मैम। हाँ बहुत ही जल्दी आपका जीएलपी का सेशन शुरू करेंगे, अभी कुछ भी ऐसा शुरू नहीं हो रहा है ना आपका, बहुत जल्दी होगा। तो आप लोग के मैसेज से परेशान हो गए सब, गुड मॉर्निंग गुड नाइट सब कुछ आपको जीएलपी में ही बोलना है। अरे आपस में बात करो, दूसरे ग्रुप्स में बात करो, जीएलपी में ना बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे हैं तो उनको लगता होगा कौन है जो दिन भर गुड नाइट गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोल रहा है। थैंक यू मैम। ओके वेलकम सौरभ, आप लोगों को भी थैंक यू, आप लोग के संग मेरा वक्त बहुत अच्छा बीतता है। लेकिन ये बात है मैं सोचती हूँ ना कुछ ना भी करना हो तो चलो टेंथ क्लास में, चलो क्लास में जाके क्या करना है। तो ये क्लास मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है। या थैंक यू सो मच अंकिता, यू टू। अंकिता का वो हार्ट वाला इमोजी मैं नहीं भूलती हूँ, हमेशा भेजा करो, बहुत अच्छा लगता है देख करके। ठीक है बच्चों बहुत भूख लग गई, डिनर करने जा रही हूँ, आप लोग जाओगे कि नहीं जाओगे?